तो गाइस काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको दही बेसन एंड हल्दी के फेस पैक पे, जिससे कि आपकी टैनिंग अच्छे से रिमूव हो जाती है। बट मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक कंपैरिजन वीडियो शेयर करती हूँ कि दही बेसन एंड हल्दी का फेस पैक वर्सेस D10 पैक, कौन सा D10 पैक आपके टैनिंग को अच्छे से रिमूव करता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही बेसन हल्दी का पैक वर्सेस D10 पैक। तो एक साइड में दही हल्दी एंड बेसन का पैक लगाऊंगी एंड अनदर साइड में O3 प्लस का D10 लगाऊंगी। देखते हैं कि किसका रिजल्ट बेस्ट आता है एंड कौन सा पैक हमारी टैनिंग को काफ़ी अच्छे से रिमूव कर देता है। एंड फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग दही बेसन एंड हल्दी का फेस पैक तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें कर्ड ले लिया है, आप देख सकते हैं। एंड देन इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैंने इस तरीके से एक स्पून बेसन ले लिया है। देन थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे हम लोग। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है एंड इन तीनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हल्दी बेसन एंड दही का फेस पैक तैयार हो गया है, तो हम लोग इसे अप्लाई कर लेते हैं। इसे मैंने थोड़ा थिक ही रखा है गाइस, देख सकते हैं आप। एंड अभी मेरा फेस आपको कुछ डल लग रहा होगा, बट देखते हैं इसे अप्लाई करने के बाद ये मेरे फेस को ब्राइट करता है या नहीं, या मेरी टैनिंग को रिमूव करता है या नहीं। तो गाइस इसे मैं फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी। तो गाइस हाफ साइड मैंने ये हल्दी बेसन एंड दही का पैक अप्लाई कर लिया है एंड अब इस साइड हम लोग O3 प्लस का D10 अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो कोई भी D10 ले सकते हैं। मैं वाली कंपैरिजन वीडियो बना रही हूँ कि दोनों में से कौन सा हमारे टैनिंग को अच्छे से रिमूव करता है, यही टेस्ट करने के लिए मैं ये कंपैरिजन वीडियो बना रही हूँ। गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि रिज़ल्ट कैसा आता है। देन गाइस अब मैं O3 प्लस का ये D10 पैक अप्लाई करूँगी अपने हाफ ऑफ द फेस पे। तो D10 मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी गाइस, क्योंकि ये काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी में होता है। चलिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैंने दोनों ही अप्लाई कर लिया है एंड आफ्टर 15 मिनट के बाद हम लोग इसे रिमूव करेंगे एंड देन देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, कौन सा पैक हमारे टैनिंग को अच्छे से रिमूव करता है, ये होम रेमेडी पैक या ये केमिकल O3 प्लस का D10 पैक। तो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड लेफ्ट साइड मैंने हल्दी का पैक अप्लाई किया था एंड राइट साइड में मैंने ये O3 प्लस का D10 पैक अप्लाई किया है। आप याद रखना एंड मिलते हैं आपसे फेस को वॉश करने के बाद। तो गाइस मैंने फेस को वॉश कर लिया है एंड आप देख सकते हैं कि आपको लेफ़्ट साइड या राइट साइड दोनों में से फेस का कौन सा साइड आपको ज़्यादा ब्राइटर लग रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे अपने फेस का राइट साइड वाला पार्ट ज़्यादा ब्राइटर लग रहा है लेफ़्ट साइड वाले से, जिधर मैंने O3 प्लस का D10 पैक अप्लाई कर रखा था। तो मैं यही बोलूँगी कि O3 प्लस का D10 पैक आपके टैनिंग को काफ़ी अच्छे से रिमूव कर देगा इन कंपैरिजन ऑफ हल्दी दही एंड बेसन। ये एक होम रेमेडी है एंड काफ़ी अच्छी होम रेमेडी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके D10 पैक नहीं लेना चाहते हो, तो उस केस में आप ये होम रेमेडी अप्लाई कर सकते हो दही बेसन एंड हल्दी वाला। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप O3 प्लस का D10 पैक एक बार ज़रूर ट्राई करें।
तो गाइस काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको दही बेसन एंड हल्दी के फेस पैक पे, जिससे कि आपकी टैनिंग अच्छे से रिमूव हो जाती है। बट मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक कंपैरिजन वीडियो शेयर करती हूँ कि दही बेसन एंड हल्दी का फेस पैक वर्सेस D10 पैक, कौन सा D10 पैक आपके टैनिंग को अच्छे से रिमूव करता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे फेस का कौन सा पार्ट ज़्यादा ब्राइटर एंड ग्लोई लगा। पास से आप देख सकते हो, ये है लेफ्ट साइड जिधर मैंने हल्दी बेसन और दही का फेस पैक यूज़ किया था, एंड ये रहा मेरा O3+ का D10 पैक वाला साइड। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।